आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्बन का संकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्जलीकरण कौन सा अभिक्रिया में होता है। जैसे आप नाम सुने होंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण, नाम सुने होंगे तो लिख लेते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण, उसी से हम लोग देख लेंगे क्या हो रहा है। अल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी निकालना। जब पानी निकलता है ना, उसी को बोलते हैं निर्जलीकरण, पानी निकालना। जब भी किसी यौगिक से पानी निकल जाए, वाटर बाहर निकल जाए, तो समझ जाइए कि उसको निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि एक अल्कोहल है जिसका सूत्र दिया गया है, मान लीजिए CH3OH। ये हमका क्या हो गया, देखा जाए तो प्रोपेन टू ऑल है, दो नंबर कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है। अगर हम इसका निर्जलीकरण कर दें, मतलब वाटर को बाहर निकालना है। अब देखिएगा OH तो यहाँ से निकलेगा, वाटर निकालने के लिए वाटर को H2O चाहिए। यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अगर इधर का OH और इधर का हाइड्रोजन हटाइएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री हो जाएगा, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, नया यौगिक CH3CH, और यहाँ पर था देखिए एक हाइड्रोजन निकाल चुके हैं तो CH2 हो गया। यहाँ से जब निकालिएगा तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी निर्जलीकरण होता है तो डबल बॉन्ड बनता है। किसी का क्वेश्चन है कि सर ये वाला OH और बाएं साइड का हाइड्रोजन हटाया होता है तो डबल बॉन्ड बाएं तरफ आ जाता। अब कायदे से देखा जाए तो बीच वाला कार्बन में कितना बॉन्ड है, कौन सा संकरण है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है, चार, तो टोटल क्या है sp3। तो पहले हमारा अल्कोहल जो था उसका संकरण क्या था, कार्बन का संकरण था sp3, और बाद में उसी कार्बन का संकरण कितना हो गया पानी निकालने के बाद, sp2 हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन पर sp2 संकरण होता है। तो देखिए जब भी पानी बाहर निकालते हैं तो संकरण परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित होगा, sp3 से sp2 में परिवर्तित हो जाएगा। और इसको निर्जलीकरण का कुछ हमको रिएजेंट याद होना चाहिए, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, H2SO4, H3PO4, H3PO3 इत्यादि। तो ये निर्जलीकरण का हमको रिएजेंट है, अभिकर्मक है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, sp3 से sp2, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।